कौन सी गाइस? जियोनी जियोनी का गारंटी 6 महीने। नमस्ते, हाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, इट्स सो बॉय विशाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? तो गाइस, आज जो है रात को मैं, भीम और मामा, हम तीनों जा रहे हैं गांव। इतने दिन से मेरा वेट था गांव जाने का, सो फाइनली जा रहे हैं। एंड वैसे तो मैं अपने काम से जा रहा हूँ, आज ना भैया का ऑपरेशन भी, मैं वहाँ पर नहीं जा पाया अभी तक। तो अगर मैं शाम को ना, मतलब एक दो मेरे को और भी काम है, वो करना भी ज़रूरी है, तो इस वजह से मैं जा नहीं पाया। सबसे पहले तो ना, वो काम अगर जल्दी हो जाते ना, तो मैं क्या बोलते 5-6 बजे के लगभग हॉस्पिटल जाऊँगा। यहाँ से हॉस्पिटल ना सच्ची बहुत ज़्यादा दूर है, 20 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो मतलब बहुत, मतलब 1-1.5 घंटा आराम से लगेगा पहुँचने में। उसके अलावा सारे कपड़े धोने हैं, बहुत सारे काम है, तो सबसे पहले ना हेयर कट करवा के आते हैं, बिकॉज थोड़ा हेयर कट करवाने के बाद अच्छे लगेंगे। तो गाइज, अभी ना कटिंग हो गई है, एंड सच्ची मैं बताऊँ ना, मेरे को, मैं कम से कम 2.5 घंटे वहाँ पर बैठा हूँ। आज जैसे कि आपको पता है संडे, तो संडे के दिन इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना, मतलब बहुत ज़्यादा थी भाई, 2.5 घंटे मेरे को बैठना पड़ा वहाँ पे। सो अभी नहाते हैं, देन उसके बाद ना मेरे को पावर बैंक लेके आना है, बिकॉज पावर बैंक की बहुत ज़्यादा नीड है इसलिए। तो गाइज़, मैं ना अभी जा रहा हूँ पावर बैंक लेने के लिए, पहले मैं नहाने जा रहा था, बट मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया कि तू अभी आ जा। सो अभी चल रहे 6 नंबर और वहीं से लेके आएंगे। मतलब अब ना मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि मैं कितने MAH का लूँ, 10,000 या 20,000, तो वहीं जाके पता कर लूँगा। थोड़ा सा क्या, मैं ना अच्छी क्वालिटी का लूँगा, बिकॉज बार बार तो मैं लूँगा नहीं, कि ऐसे भी किसी भी क्वालिटी का ले लूँ, वारंटी वाला लूँगा एकदम, मतलब अच्छे से लूँगा एकदम। तो ये जो गाइज सामने की साइड शॉप दिख रही है ना, यहीं से लेंगे अपन पावर बैंक। तो गाइज, उस वाली शॉप पे तो ना पावर बैंक मिला ही नहीं, अब इधर ही भाई ढूंढना पड़ेगा अलग अलग जगह पे। गाइज अभी ना आधे से ज्यादा मार्केट तो घूम लिया हूँ, बट इधर की साइड तो कहीं ना पावर बैंक ही नहीं मिल रहा। इधर की साइड है 4-5 दुकान, यहाँ मिल जाता है तो सही है, वरना मेन मार्केट में जाना पड़ेगा। कौन सी गाइज? जियोनी का गारंटी 6 महीने। खराब हो जाएगा। कितने का है? तो गाइज अभी ना पावर बैंक ले लिए हैं, और मैंने ना 20,000 MAH का लिया है, बिकॉज मैं देखा चलो भाई, क्योंकि 10,000 और 20,000 में ज़्यादा फर्क नहीं था पैसों के अंदर, तो मैं देख लिया ये वाला ही ले लेता हूँ। इसके अंदर थोड़ा एक फीचर और है, डिस्प्ले का फीचर है इसके अंदर, तो घर जाके दिखाऊंगा वो डिस्प्ले वाला फीचर। तो सच्ची गाइज, मैं इतना ज़्यादा परेशान हुआ ना इस पावर बैंक को ढूंढने के चक्कर में, पूरा मार्केट घूम लिया बट कहीं मिल ही नहीं रहा था, फिर फाइनली जाके मिल तो गया। तो गाइज, मैं जो नया पावर बैंक लेके आऊँ ना, वो यही है, और अभी इसकी ना अनबॉक्सिंग करते हैं, इसको ओपन करते हैं। वैसे तो एक बार कर लिया मैंने, बट इसको एक बार और करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले ना आपको ये बता देता हूँ कि ये 20,000 MAH का है, मतलब 20,000 MAH का है, और फास्ट आउटपुट है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। एंड इसकी ना एक चीज़ और स्पेशल है कि इसमें ना डिजिटल डिस्प्ले, और बस अब इतना, मैं टैग का कोई वो नहीं है मेरा चैनल, इसको डायरेक्ट ही ओपन कर देता हूँ ऐसे। सो ये रहा ये पावर बैंक। और सो गाइज, ये रहा पावर बैंक, और इसमें ना देखो ऐसी डिस्प्ले है, तो इसके अंदर ना ये दिखाता है 87% इसके अंदर अभी चार्ज है, और मतलब एक बार मैंने चार पांच बार तो मेरा जो फ़ोन है उसको फुल चार्ज कर ही देगा, क्योंकि आपको ही पता है मेरे को पावर बैंक की कितनी ज़्यादा नीड थी। मैं कहीं पे मतलब ना चार्जर लेके और किसी भी शॉप वगैरह पे पहुंच जाता था कि भैया प्लीज़ इसे थोड़ी देर चार्ज कर दो, बिकॉज आईफोन की जो बैटरी है ना वो बहुत ही ज़्यादा धीरे चलती है। मतलब मैं एक बार एक कुछ ब्लॉग वगैरह शूट करता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे चलेगी इससे, हाईएस इतना ही चलता है, मतलब बिकॉज मैं क्या फुल ब्राइटनेस के अंदर और ऐसे शूट करना पड़ता है, बिकॉज धूप में होता है ना, तो ऐसे होता है। एंड उसके साथ ना मैं अलग से ये जो है डेटा केबल भी लेके आऊँ, बिकॉज इसके साथ तो ना ये वाली डेटा केबल आई है जो कि एंड्रॉयड की है, और मैं जो आईफोन है ना तो उसके लिए दूसरी लेके आया हूँ। और बस अब यही है कि ये तो कनेक्ट हो ही जाएगी ना, चलो ये भी ठीक है कि अब मैं किसी भी चार्जर से अपने फ़ोन को चार्ज कर सकता हूँ, पहले मेरे पास सी टाइप केबल थी। तो अभी हम सामान पैक करते हैं, सबसे पहले कपड़े और विशाल के कपड़े निकालने पड़ेंगे, तो शर्ट, बाकी विशाल के कपड़े निकालता हूँ पहले। तो अभी विशाल के तो कपड़े निकाल लिए, विशाल की शर्ट है, ये भी उसके शर्ट है, ये भी शर्ट है, ये पैंट है, ये मेरी पैंट, और ये विशाल की शर्ट, और ये नीचे विशाल की शर्ट, सॉरी
ये टी शर्ट है। और अभी थोड़ी देर बाद हम जाएंगे यार, सोच रहा हूँ रात को जाएंगे ट्रेन में जाएंगे। ट्रेन में विशाल मना कर रहा है जाने के लिए, बस में जाएंगे देखते क्या होता है, रात को पता चलेगा बस में जाएंगे या ट्रेन में जाएंगे। अभी हम सारे कपड़े पैक कर देता हूँ। अभी मैंने सारे सामान पैक कर लिए हैं, देखो बैग भारी सा हो गया है। और विशाल कुछ और कपड़े लाएगा जैसे चड्डा बनियान और लोअर, तो वो भी पैक कर लेंगे। बाकी चलते गाँव और मिलते फिर वहीं पे मिलेंगे आपको मस्त एकदम। तो गाइस अभी ना एक प्रॉब्लम हो गई है, और वो प्रॉब्लम ये हुई है कि मैं पहले अपने ना, जैसे कि आपको पता है मेरा ब्लॉग भीम नहीं गया था, बिकॉज मैंने अपने डॉक्यूमेंट के काम से गया हुआ था। फिर उन्होंने ऐसा बोला कि 15 दिन लगेंगे वो करने में, यहाँ पे ही हो गया। वैसे तो जो काम मेरे को गाँव जाके करना था वो यहाँ पे अभी अप्लाई हुआ है, कंफर्म नहीं कि वो बनेगा नहीं बनेगा। बट ना ऐसा हुआ कि हमारे मतलब ना गाँव से कुछ रिलेटिव्स आ रहे हैं, और उनको कल ना मेरे को हॉस्पिटल लेके जाना है। अब तो पापा आए, पापा ने बोला ऐसे है कि उनको हॉस्पिटल लेके जाना है, तो मैंने बोला मैं तो गाँव जा रहा हूँ। बट फिर पापा ने बोला कि नहीं तू अभी मत जा, वैसे वैसे भाई पूरा इतना मूड ख़राब हुआ ना कुछ बता नहीं सकता मैं। बट अब यही है कि क्या ही बोलूँ यार, मैं पापा को मना नहीं कर सकता। अब मम्मी का मूड ख़राब हुआ कि ये तो जा रहा था और एकदम से लास्ट में मना कर दिया आपने, तो इसलिए ना मैं बाहर आके ब्लॉग कर रहा हूँ, घर में जाने की हिम्मत नहीं है मेरी भाई। तो सबसे ज़्यादा मूड तो भीम का ख़राब हुआ है भाई, वो एकदम इतना मतलब खुश था, बट फिर ऐसा हो गया। पापा की भी क्या गलती है, रिलेटिव्स आ रहे हैं तो उनको भी देखना पड़ेगा, और उनको शायद हॉस्पिटल जाना है SMS, तो वो यहाँ के बारे में कुछ जानती नहीं, तो उनको लेके जाना है। सो क्या ही कर सकता हूँ यार, अब मैं भी सबसे पहले तो सॉरी, मैं इतने टाइम से बोल रहा था कि गाँव जाऊँगा नहीं जा पाया, तो उसके लिए सॉरी। मेरी भी क्या ही गलती है यार, मैं भी कुछ नहीं बोल सकता। वैसे गलती तो मेरी है, मैं पहले ही क्यों बोल रहा था आपको, जब जाता तभी बोलना चाहिए था। आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। मैंने नए कपड़े लाया था, सही बताऊँ मैं, देखो अभी जस्ट ये न्यू पजामा एंटी टी शर्ट लेके आया था, बट क्या ही कर सकते हैं। सो मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल, बाय, प्लीज़ सॉरी। I'm going to go to the hospital.